आतिशी के अभी एक महीने भी नहीं हुए मुख्यमंत्री बने, लेकिन आतिशी ने आम आदमी पार्टी को सड़क पर ला कर रख दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सड़क पर दिखाई दे रही है। सड़क पर किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सड़क से सदन तक पहुंचना यह बहुत बड़ी बात है। अगर जो पार्टी सदन में थी, जो पार्टी सत्ता में थी, और उस पार्टी को आतिशी सड़क पर ला रही हैं, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सड़क पर ही रह जाए, सदन में ना पहुंचे। आतिशी के पांव पड़ते ही आम आदमी पार्टी की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। आतिशी के आते ही आम आदमी पार्टी को जगह जगह नुकसान होने शुरू हो गए। अब आतिशी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अपने आप को भरत बताया और अरविंद केजरीवाल को राम बताया, और उसी के तुरंत बाद देखिए हरियाणा में चुनाव शुरू हो गया। इस प्रोजेक्ट को लेकर आतिशी हरियाणा भी पहुंची और हरियाणा में भी चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल राम है, उनका त्याग, उनका समर्पण, उन्होंने सत्ता छोड़ी है, उन्होंने सिंहासन को छोड़ा है। और आतिशी ने अपने आप को बताया भरत। आतिशी ने कहा कि वो भरत हैं और भरत की ही तरह दिल्ली का सिंहासन वो देखेंगी, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगी, लेकिन दिल्ली के उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगी जिस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे। ये बातें आतिशी ने हरियाणा के लोगों को बताई, लेकिन इसका भी प्रभाव हरियाणा के लोगों को नहीं पड़ा, हरियाणा की जनता को नहीं पड़ा, और इसीलिए आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर हरियाणा की जनता ने विश्वास ही नहीं किया। आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रोजेक्ट किया गया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आतिशी ललकार के आए, जमकर दमदारी से भाजपा के खिलाफ बोले और बताएं कि कैसे कैसे भाजपा ने उनके साथ क्या क्या किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ क्या क्या किया है। लेकिन हरियाणा की जनता साफ तौर पर ये जान रही थी, ये साफ तौर पर समझ गई थी कि आकंठ में डूबी, भ्रष्टाचार में डूबी, शराब घोटाले में डूबी आम आदमी पार्टी कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त की बात कह नहीं सकती, कम से कम आम आदमी पार्टी भाजपा पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकती। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी के एक धड़े में चर्चा ये होने लगी है कि आतिशी को जब से मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है, तब से आम आदमी पार्टी को नुकसान होना शुरू हो गया है। पहले आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव हारती है, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सड़क पर आ जाती, यानी मुख्यमंत्री के बंगले को सीज कर दिया गया है, ताला लटका दिया गया है और आतिशी के सामान को बाहर रख दिया गया है। लेकिन आतिशी दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए, दिल्ली की जनता को बताने के लिए आसपास उनके बड़ा सामान बिखरा हुआ है, उस सामान बिखरे हुए जगह पर बीच में आतिशी वो काम करती हुई नजर आ रही हैं, आतिशी फाइल पलटती हुई नजर आ रही, आतिशी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली की जनता से उनका कितना प्रेम है, दिल्ली की समस्याओं के निस्तारण के लिए वो कितनी प्रतिबद्ध हैं, और इसीलिए आतिशी जहां पर उनका सामान बाहर रखा गया है वहां पर भी वो फाइल को देखते हुए नजर आ रही है, वहां पर भी फाइल को निस्तारित करते हुए नजर आ रही। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट की है और लिखा है कि आतिशी की कर्मठता, आतिशी की कार्यप्रणाली कैसी है, कि वो चारों तरफ से सामान उनके अगल बगल बिखरा हुआ है, पड़ा है, वहां पर भी वो फाइल को पलटते हुए नजर आ रही हैं। यानी संजय सिंह ने यह बताने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी का नेता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री वो कितना कर्तव्यनिष्ठ है, वो कितने बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से जनता की समस्याओं को निस्तारित करने के लिए संकल्पित है, ये बताने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली की जनता ये सब कुछ जानती है, दिल्ली के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। और अब ये जादू दिल्ली तक चला था, पंजाब में चला, लेकिन अब अन्य जगहों पर नहीं चलने वाला। जिस तरह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से फेल हो गई, जहां पर उम्मीद थी, जहां पर आस थी, जिस हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वजूद बन सकता था, आम आदमी पार्टी का वजूद खड़ा हो सकता था, जहां से खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा से हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाती,
तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अब आम आदमी पार्टी की असलियत को देश की जनता जान गई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकलाप को जान गई है और कैसे आम आदमी पार्टी देश के लिए खतरा पैदा कर सकती है इस सब के बारे में लोगों को अब पता चलने लगा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान से आए लोग वो दिल्ली में तमाम जगहों पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने इतनी गलत, इतनी घटिया टिप्पणी की, इतनी घटिया टिप्पणी की जिसके कारण से पाकिस्तान से आए हुए हिंदू उनका उन्हें कष्ट हुआ और साथ ही साथ उनका दिल मरमाहत हो गया, उनके आंखों से आंसू निकल आए कि जो भारत उनका देश है, जिस भारत में वो नियम के अनुसार शरण लेने के लिए आए हैं, उसी भारतवर्ष में उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है। उसी भारतवर्ष में एक पार्टी का नेता ये कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू वो अराजकता का माहौल पैदा करेंगे, वो आतंकवाद फैलाएंगे, वो मारपीट करेंगे, लूटपाट करेंगे और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ेंगी। ये बात अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के खिलाफ कही है, हिंदुओं के लिए बोली है। इन सब को लेकर, इन सब को सोचकर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वो सब हैरत में हैं कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, अरविंद केजरीवाल अधिकारी रहे हैं और वो जब समय आता है तो देश को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं और इसीलिए वो धीरे धीरे जिन शक्तियों को, जिन ताकतों को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, वो देश के खिलाफ बोलने का काम करती हैं, देश को तोड़ने का काम करती हैं, देश को कमजोर करने का काम करती हैं। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये भी कहा गया कि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आतंकी नसरल्ला की मौत के बाद धरना प्रदर्शन और तमाम लोगों ने रैलियां निकाली। ऐसे समय में इन लोगों के खिलाफ क्या आतिशी बोलती, इन लोगों के खिलाफ क्या अरविंद केजरीवाल बोलते, इन लोगों के खिलाफ क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बोलने का काम करते? जो लोग देश के खिलाफ हैं, जो लोग एक ऐसे आतंकवादी का पोषक करते हैं, जो लोग ऐसे आतंकवादी के समर्थन में रैली और जुलूस निकालते हैं, जिस आतंकवादी ने पूरी दुनिया में अराजकता फैलाने का काम किया, तमाम लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया, ऐसे आतंकवादी की मौत पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बोलेगा? आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता ये कहेगा कि नसरल्ला की मौत पर समर्थन करने वाले, छाती पीटने वाले लोग वो देशद्रोही हैं, देश के किसी भी तरह से समर्थक नहीं हो सकते, ये देश के गद्दार हैं, इस तरह किसी भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता नहीं बोलता, ऐसे लोगों के खिलाफ आतिशी दो शब्द भी नहीं कहती। तो इसलिए आतिशी जो फाइल पलट रही है बैठकर सामान के ढेर में, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, वो अपने आप को कर्तव्य निष्ठता और वो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली की जनता के लिए समर्पित है। सबको ये पता है कि ये केवल केवल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, केवल केवल दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आतिशी किसी भी तरह से दिल्ली की जनता के हित में कोई काम नहीं कर सकती है। उसका मूल कारण यही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और इसका जीता जागता अगर उदाहरण आपको देखना है तो वो उदाहरण आप सब देखिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं ला पाती है। वही जम्मू कश्मीर में जहां पर पत्थरबाज हमेशा से हाथों में पत्थर उठाते रहे, देश को तोड़ने की बात करते रहे, जिस घाटी में भाजपा को एक सीट नहीं मिली क्योंकि पत्थरबाज वहां पर हमेशा आतंकवाद को प्रशिक्षण देते रहे, आतंकवाद को समर्थन देते रहे, वहां पर आम आदमी पार्टी की सीट निकलती है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि देश विरोधी शक्तियां, देश विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं, आम आदमी पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं पूरे देश भर में। जैसे ये देश विरोधी ताकतें, ये देश विरोधी शक्तियां एक समय
कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी, आज उन्हें मौका लग रहा है, आज उन्हें समय लग रहा है कि वो अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो जाएं। लेकिन देश के जो राष्ट्रवादी विचारधारक हैं, जो देश के प्रति समर्पित हैं, जो देश का यूथ है, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए मर मिटना चाहता है, उसे साफ तौर पर पता है कि आम आदमी पार्टी कभी भी देश के लिए खतरा पैदा कर सकती है, हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के वजूद को खत्म करने का काम किया है, आम आदमी पार्टी को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा में वो कभी भी हौसला बुलंद ना कर पाए, वो ये ना सोचे कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा में मजबूत होगी, खड़ी होगी। इस स्थिति में लाकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को खड़ा कर दिया। तो आतिशी चाहे भले ही सड़क पर या कहीं बाहर या किसी भी स्थान पर फाइलें पलटे, दिल्ली की समस्याओं का निस्तारित करने का काम करे, लेकिन दिल्ली की जनता, देश की जनता इनकी असलियत को अच्छी तरह से पहचाने।